हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं 15 × 25, 25 × 35, 35 × 45 को इसको हम लोग फर्स्टली कैसे मल्टीप्लाई करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम थ्री बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, थ्री डैश बना दिए। अब इसमें जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये लास्ट टू डिजिट यहाँ पे फिक्स होगा। क्या होगा? लास्ट टू डिजिट हम 75 लिखेंगे। यहाँ 75 लिख दिए, यहाँ भी हम 75 लिख दिए। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टू डिजिट फिक्स होगा। सब में हम 75 लिखेंगे। ओके, सब में हम 75 लिखेंगे। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या है, टू, यहाँ जो भी नंबर का टू के बाद टू का क्या करेंगे, यहाँ पे टू लिखेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे और माइनस वन करेंगे। टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर होता है। फोर में से वन माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? थ्री। क्या आएगा? 375 हमारा आंसर निकल के आएगा। आप कैलकुलेटर से इसका आंसर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, थ्री का स्क्वायर कितना होता है? थ्री स्क्वायर माइनस वन, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। नाइन में से वन माइनस कितना होगा? 8 हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 35 को 45 से मल्टीप्लाई करें। 35 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, 35 यहाँ, 75 यहाँ लिख दिया। ओके, फोर का स्क्वायर करेंगे माइनस वन, फोर का स्क्वायर कितना था? 16 होता है। 16 में से वन का टाइम कितना होगा? 15, यानी कि कितना आ गया? 1575 हमारा आंसर आ गया। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, 45 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 75 यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस वन, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 में से 1 माइनस किया कितना आएगा? 24 होगा। यानी आंसर क्या, 2475 हमारा आंसर आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 55 को 65 में मल्टीप्लाई करना है। इसका डिफरेंस कितने का है? 10 का सबका डिफरेंस है। ओके, तो क्या करना है, 55 को 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ऑलरेडी हम 75 फिक्स्ड है, 75 लिख दिए। 6 का स्क्वायर करना है माइनस वन, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 35। यानी आंसर क्या आ गया, 3575 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। 65 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर फिक्स है 75 और 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में 1 माइनस किया कितना देगा? 48 होगा। 48 यानी 4875 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। 75 को 85 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 75 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 में से 1 माइनस किया कितना आ गया? 63 हुआ। यानी आंसर क्या है, 6375 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन, 85 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। 85 को 95 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 75 लिख दिए। उसके बाद 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 80 हो गया। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 8075 हमारा आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।